इस गांव में प्याज और लहसुन नहीं खाता कोई कपल। और सामान्य तौर पर लोगों को दूसरे देशों की संस्कृति बहुत पसंद आती है, लेकिन भारत का एक ऐसा गांव है जो अपने देश की संस्कृति से प्यार करने के कारण लोगों के लिए अनुकरणीय बन गया है। जी हां, आज हम आपको जिस गांव के बारे में बता रहे हैं वो गांव आज भी अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। दिल्ली से लगभग 165 किमी तथा देवबंद से 8 किमी की दूरी पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित मिरतपुर एक मुख्य और आदर्श गांव है। ये गांव काली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इस गांव की सबसे ज्यादा तारीफ करने लायक बात यह है कि इस गांव के लोग शराब, धूम्रपान, हुक्का इत्यादि जैसी चीजों से बहुत दूर रहते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे भारत में सिर्फ मिरतपुर ही एक ऐसा गांव है जो नशे से बिल्कुल दूर है। पूरे देश में है मशहूर इस गांव को 2010 में निर्मल श्रेणी में राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इस गांव के बारे में टीवी, न्यूज पेपर्स, मैगजीन और रेडियो पर काफी बार जिक्र हुआ है। इस गांव में शराब, धूम्रपान के साथ साथ लहसुन, प्याज, बंद गोभी, लाल मूली जैसी 32 खाने की चीजों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बाबा के नियमों पर चलता है गांव। इस गांव के लोग श्री गुरुवार बाबा फकीरदास द्वारा निर्धारित इन नियमों को पिछले 400 सालों से मान रहे हैं। इस गांव की लड़कियां शादी के बाद इन नियमों को माने या न माने ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जो लड़कियां इस गांव में शादी करके आएंगी उनको इस गांव के नियम मानने अनिवार्य होते हैं। नियम तोड़ने वाले को मिलती है सजा। जो भी इंसान इन नियमों का उल्लंघन करता है उन्हें इसके लिए सजा दी जाती है। बताया जाता है कि सजा बाबा स्वयं देते हैं। कहा जाता है कि जिन्होंने गांव के नियमों का पालन नहीं किया उनका पूरा परिवार प्राकृतिक मृत्यु की वजह से खत्म हो गया। इस गांव में श्री गुरुवार बाबा फकीरदास की याद में प्रत्येक वर्ष एक मेले का आयोजन किया जाता है। गांव में उनका एक आश्रम भी बना हुआ है जहाँ रोजाना 2 बार पूजा होती है। मुगल काल से मान रहे हैं। शपथ बताया जाता है कि मुगल काल में बाबा फकीरदास यहां आए थे और उन्होंने ग्रामीणों को नशे से दूर रहने और मांसाहार त्यागने की शपथ दिलाई थी, जिसके बाद से पूरा गांव आज भी शपथ मानता आ रहा है। बाबा ने गांव के बाहर नदी के किनारे समाधि ली थी जहां प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग देखने आते हैं और बाबा की समाधि पर सर झुकाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। मिरतपुर की जनसंख्या लगभग 12,000 है। इस गांव में 12 दुकानें हैं, जिनमें से सिर्फ 2 दुकानों पर ही बीड़ी, सिगरेट मिल सकती है, और वो भी इसलिए कि गांव में आने जाने वाले लोग इन चीजों को खरीद पाएं। मिरतपुर गांव में 3 सरकारी स्कूल हैं।